आदित्य के सामने जिया शंकर ने जोड़े हैं हाथ। ये बात जब आप जानेंगे कि आखिरकार उसने हाथ क्यों जोड़े हैं, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलूंगी जो एनिमल्स लवर हैं, वो काफी ज्यादा जिया शंकर से खुश होने वाले हैं। क्या है माजरा, चलिए आप लोगों को बताते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है मुझे जरूर बताइए, नॉन वेजिटेरियन करके कमेंट कीजिए या वेजिटेरियन करके कमेंट कीजिए। अगर आप लोग शाकाहारी है या आप वेजिटेरियन है, तो इसी दौरान ही जैसे कि जिया बैठी होती है वहां पर पूजा भट्ट भी होती है, वहां पर हदीद भी होता है, वहां पर जो है हदीद अपनी कंट्री के बारे में कुछ बातें बताता है, और देन फिर वो सडनली ये बातें बताता है कि बर्ड की आवाज आती है, वहां पर बर्ड की आवाज आती है, जहां पर वो बोलता है कि मैं अभी तक 200-300 बर्ड्स जो है वो खा लिए होंगे। जहां पर जिया जो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यार प्लीज बर्ड्स को मत खाना, वो अच्छा नहीं है, इतने प्यारे होते तुम कैसे खा सकते हो, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बिकॉज हमारे यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि बर्ड्स को खाया जाए, मे बी शायद कुछ लोग खाते होंगे, अगर देखा जाए तो मुर्गी भी एक बर्ड है क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत उड़ तो लेती ही है। वहीं पर जो है जहदीत ये भी बात बोलते हैं कि हमारे वहां पर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एक एक बर्ड जो 20-30 हजार का है, जो कि बिकते हैं और लोग खाते हैं। ये हाथ जोड़ती रहती है जिया, और डेफिनेटली जो एनिमल्स लवर है वो डेफिनेटली ये बात सोचते होंगे कि भाई नहीं खाना चाहिए, और जिया कि इस चीज से ये चीज पक्का पता चलती है कि भाई वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और क्लीन हार्टेड है। क्योंकि मैंने ये बात सुनी है कि जो लोग जानवरों को प्यार करते हैं वो उनका दिल जो है बहुत साफ होता है, जैसे कि मेरा, मैं भी तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।